आज हम क्लास सेवेंथ के सब्जेक्ट सोशल साइंस के चैप्टर नंबर नाइनटीन ओशियन वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है टाइड्स वेव्स और ओशियन करंट ठीक है देयर आर थ्री मेजर मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर यहाँ पर तीन मेजर मोमेंट्स जो होते हैं ओशियन वाटर में होते हैं वो कौन कौन से है? हैं टाइड्स वेव और ओशियन करंट्स होते जो मेजर मूवमेंट्स आते हैं टाइड्स वेव और करंट्स जो आते हैं इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं फैक्टर होते हैं इनके आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला कारण होता हैगा रोटेशन ऑफ अर्थ ठीक है फिर ग्रेविटेशनल पोल ऑफ द सन एंड मून उसके बाद है प्रिवेलिंग बिंड अमाउंट ऑफ सैलिनिटी डिफरेंस इन टेम्परेचर रोटेशन ऑफ अर्थ तो सभी ने पता है कि सभी को पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है और सन के अराउंड भी क्या है चारों तरफ मूव कर रही है उसके अलावा ग्रेविटेशन सभी जो बॉडी वाटर जो बॉडीज़ होती है हर बॉडी के पास अपनी कुछ ग्रेविटेशनल ग्रेविटी होती है तो उसकी वजह से किसी और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है तो वो चीज़ क्या है सन और मून की डिपेंड करती है कि ओशियन मूवमेंट्स पर ठीक है ना उसके बाद प्रिवेलिंग विंड जो विंड चलती है वो भी डिपेंड वो भी एक फैक्टर है ओशियन मूवमेंट्स का और सैलिनिटी जो होती है ओशियंस की सैलिनिटी सैलिनिटी का मतलब है कितना अमाउंट सॉल्ट जो है अमाउंट का कितना कम है या फिर ज़्यादा है ये चीज़ क्या डिपेंड करती है कि मोमेंट्स पर और डिफरेंस इन टेम्परेचर जो वाटर है ओशियन वाटर है इसमें जो डिफरेंस होता है वो चीज़ क्या कहीं पर डिपेंड करती है जो मूमेंट है उन पर डिपेंड करता है टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उस चीज़ में तो ये सारे फैक्टर हैं जो ओशियन वाटर के मूवमेंट को पे आ, के फैक्टर हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइट्स के बारे में टाइट्स होता है टाइट्स जो है टाइट्स होते हैंगे हम जब ओशियन सरफेस से ओशियन सरफेस से जब वाटर जो है राइज हो जाता है ओशियन सरफेस से जब वाटर की हाइट जो है ऊपर उठ जाती है फिर ओशियन सरफेस से वाटर की हाइट जो है नीचे चली जाती है तो ये राइज़ और फॉल जो होता है ओशियन वाटर का ये क्या कहलाता है लेकिन ओशियन सरफेस के ऊपर और नीचे ये चीज़ क्या कहलाती है टाइट्स कहलाती थी है ठीक है इसका जो रीज़न होता है ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का ठीक है टाइट्स किस वजह से आते हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है टाइट्स आते हैं अब टाइट्स जो है टाइट्स दो टाइप के होते हैं एक तो हाई टाइट्स हाई टाइट्स का मतलब है जब वाटर लेवल जो है वाटर है ओशियन सरफेस से ऊपर चला जाएगा तो वो हाई टाइट्स होगा और दूसरा है लो टाइट्स लो टाइट्स का मतलब है जब ओशियन वाटर जो है अर्थ के सरफेस ओशियन के सरफेस से नीचे चला जाएगा ठीक है तो वो क्या कहलाता है उस लो टाइट कहलाता है ठीक है अब इनके आने का रीजंस क्या होता है इनके आने का रीज़न है हाई टाइड कब आते हैं और लो टाइड कब आते हैं हाई टाइड जब आते हैं जब क्या हो जब सन मून और अर्थ एक ही वर्टिकल लाइन में हो ठीक है ना एक ही लाइन में सॉरी हॉरिजेंटल लाइन में हो क्या हो एक ही हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन में सन मून और अर्थ हो तो क्या आता है हाई टाइड्स आता है इसमें क्या होता है सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को अपनी साइड खींचता है तो अर्थ तो खींचेगा नहीं तो अर्थ पर रहने वाला जो वाटर है ओशियन में जो वाटर है वो क्या है इनकी तरफ खींच जाता है और क्या है थोड़ा सा हाइट गेन कर लेता है ठीक है ना तो क्या आते हैं हाई टाइट आते हैं जब ये सारी चीज़ें जब फुल मून रहता है और न्यू मून रहता है तो ये सब जो रीज़न है ये जो टाइम है यहाँ पे कब आता है हाई टाइट्स आते हैं ठीक है ना इसके बाद लो टाइट्स आते हैं जब वन हाफ वन फोर्थ मून रहता है और थ्री फोर्थ मून रहता है ठीक है जब वन फोर्थ मून रहेगा और थ्री फोर्थ जो मून रहेगा यहाँ पर क्या आता हैगा लो टाइट्स आता है यहाँ पर क्या होता है जो अर्थ मून uh, है मून का जो ग्रेविटेशनल पोल है वो ज़्यादा है और सन का जो ग्रेविटेशनल पोल है वो कम है तो सन आप दो लोग हैं जैसे आप अगर आप अगर हैं आपको दोनों हाथ से कोई खींचे तो जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा वहाँ आप झुक जाएंगे ठीक है लेकिन क्या है आपको कोई फुल्ली नहीं खींच पाएगा ठीक है तो सन और मून क्या है दोनों के पास ग्रेविटेशनल पुल है तो मून के पास क्या है थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है तो क्या है इसके पास खिचने लगता है मतलब जो अर्थ का जो वाटर ओशियन का जो वाटर है वो नीचे की तरफ डिप्रेस होने लगता है ठीक है तो क्या आएगा लोटाइट्स आने लगते हैं समझ में आया हाईटाइट्स कब आते हैं हाईटाइट जब आते हैं जब तीनों चीज़ें हॉरिजेंटल में हों लोटाइट्स जब आते हैं जब क्या है वन फोर्थ और थ्री फोर्थ जो मून बनता है तो लोटाइट्स आते हैं ठीक है ना अब इनके जो टाइप्स होते हैं टाइट्स के वो हम आगे डिस्कस करेंगे ये तो है जब तिर जब अर्थ सॉरी अर्थ सन और मून एक ही साइड क्या कहते हैं एक ही लाइन में रहता है एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है तो जब टाइट्स आते हैं उस, उसे हम स्प्रिंग टाइप्स कहते हैं ठीक है ना उसके अलावा जो लो टाइट्स होते हैं वन फोर्थ और थ्री फोर्थ जो मून रहता है जब जो टाइट लो टाइट्स जो आते हैं ठीक है जब पानी जो है बिल्कुल नीचे बिल्कुल सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा नीचे तरफ झुक सकता है तो नेप टाइट होते हैं ठीक है जितना सबसे ज़्यादा हाइट गेन करने वाले टाइट को स्प्रिंग टाइट कहते हैं सबसे नीचे झुकने वाले टाइट को नेप टाइट कहते हैं स्प्रिंग टाइट कब आता है जब जब सन मून और अर्थ क्या हो होरि, होरिजॉन्टली एक ही लाइन में हो और नेप टाइट कब आता है जब वन फोर्थ मून रहता है थ्री फोर्थ मून रहता है इसमें क्या होता है सन मून और अर्थ एक ही लाइन में नहीं रहते हैं क्वारिट्रली ये नाइन्टी डिग्री पर रहते हैंगे ठीक है ना ये क्या रहते हैं अर्थ से नाइन्टी डिग्री पे मून रहता है सॉरी अर्थ से नाइन्टी डिग्री पे रहता है सन और मून जो रहता है नाइन्टी डिग्री पे रहता है तो क्या है दो टाइट्स आते हैं अर्थ हाउ एवर देंस मून इज रिलेटिवली क्लोजर टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर सिग्निफिकेंस इज कॉजिंग टाइट्स अब क्या है हमारे अर्थ के पास जो मून है ज़्यादा पास है और सन है थोड़ा दूर है तो सबसे ज़्यादा रीज़न जैसे मतलब मानते हैं तो मून ज़्यादा इफेक्ट करता है ग्रेव टाइट्स पर ठीक है ना तो टाइट्स आर टाइट्स आर पीरियोडिक वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर राइट्स क्या होते हैं पीरियोडिक वर्टिकल राइज और फॉल पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ऊपर उठना और नीचे जाने वाली जो प्रोसेस है वो अर्थ ओसियन के सरफेस के ऊपर ठीक है ना एकदम हाई और एकदम नीचे ठीक है इसको क्या कहते हैं टाइट्स कहते हैं ठीक है ओशियन वाटर रिजल्टिंग इन हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कोस्ट कोस्ट राइज राइज इज कॉल्ड हाई टाइट्स जब क्या है हॉरिजॉन्टल फ्लो से एकदम ऊपर जाता है ठीक है तो उसे हाई टाइड्स कहते हैं जब नीचे आता है तो उसे लो टाइट्स कहते हैं टाइट्स आर हाइजेस्ट एंड ऑल्सो लोवेस्ट वेन द सन अर्थ एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन जब टाइट्स जो है हाईएस्ट भी होती है लोएस्ट भी होती है कब जब मून सन और अर्थ स्ट्रेट लाइन में रहते हैं दिस हैपन्स ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून फेज जब न्यू मून रहता है और फुल मून फेज रहता है तो क्या है एक हाईएस्ट uh, और लोएस्ट टाइड बनते हैं द कम्बाइंड ग्रेविटेशनल पोल ऑफ बोथ सन एंड मून दस प्रोड्यूस हाई टाइट्स एंड लो टाइड्स विच आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइट्स इन्हें क्या कहते हैं स्प्रिंग टाइट कहते हैं जो न्यू मून और फुल मून के टाइम जो टाइट आती है ऊपर नीचे वाली ठीक है सबसे ज़्यादा हाइएस्ट और सबसे ज़्यादा लोएस्ट वाली उसको क्या कह कहते हैं स्प्रिंग टाइट्स कहा जाता है अनोदर फॉर्म ऑफ द टाइट्स अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर अब जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है वो लास्ट क्वार्टर ठीक है पहले क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में दूसरा फॉर्म जो टाइट्स का बनता है दीज आर नॉट एज हाई और लो अब ये सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा लो नहीं होता है ये थोड़ा मिडिल की वैल्यू रहती है वो कौन सी है नीप टाइट ठीक है अगर हाई वाला इतना ऊँचा है तो मिडिल वाला इतना कोई ऐसे ऐसे रहा होगा ठीक है तो ये वाली क्या है नीप टाइट जो कहलाते हैं ड्यूरिंग नीप टाइड सन अर्थ एंड मूर फॉर्म आ राइट एंगल ठीक है नीप टाइड के टाइम पे सन अर्थ और मून जो है राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज ऑफसेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ठीक है ना ये तो हो गया टाइड्स होते क्या हैं आते क्यों हैं रीज़न क्या है टाइप्स क्या होते हैं स्प्रिंग टाइड क्या टाइड क्या होते हैं नीप टाइड क्या होते हैं स्प्रिंग टाइड जो सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे ज़्यादा नीचे आता है वो स्प्रिंग टाइड है नीप टाइड क्या है जो मिडल की रहती है ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे स्प्रिंग टाइड जब आता है जब मून जो है फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में रहता है स्प्रिंग टाइड जब आता है जब मून फुल फुल मून रहता है और न्यू मून रहता है उस टाइम पे स्प्रिंग टाइड आता है ठीक है ना अब टाइड्स जो है टाइड्स के क्या है बहुत सारे यूज़ भी है